अरे ये क्या, ब्रेड को फ्राई कर दिया। अरे अब ब्रेड के ऊपर कुछ पनीर रख दी। अरे ये तो पनीर के लिए प्लेट बना दी ब्रेड को। अरे ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके? मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, ये तो पनीर भी फ्राई करने के लिए उल्टी कर दी। अरे भाई वाह, आज तो पनीर और ब्रेड का लगता है कुछ नया ही किचन टिप तैयार होने वाला है। क्या होने वाला है चलिए आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है सरोज जी को दिल्ली से। तो दोस्तों एक ब्रेड को पनीर के साथ कुछ टुकड़ों के साथ हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी बस फटाफट सारा का सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से साइड करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये पनीर और ब्रेड फ्राई हो क्यों रही है ये मुझे जानने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने यही बात मैंने मेरी वाइफ से पूछ ली। वो बोली रुको, आज की जो रेसिपी है वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। मैंने कहा सच में क्या बन रहा है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। तो बोली आज मैं आपके लिए एक बहुत खास चीज़ बना रही हूँ। तो फटाफट से उन्होंने एक ब्रेड और कुछ पनीर ऐसे बाहर प्लेट में निकाल ली और साथ में एक ब्रेड और थी उनके पास फ्राई करने के लिए जिसे उन्होंने तेल में डाल दिया। इसको भी फ्राई करा अच्छे से और क्रिस्पी करने की कोशिश करी। मैंने पूछा अरे कुछ तो डिटेल में बताओ ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है और आज ये ब्रेड को पनीर के साथ फ्राई करके हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ बोली काफ़ी ज़्यादा दिन से तुम मुझे एक चीज़ बोल रहे हो कि मुझे कुछ अलग बना के खिलाओ, मेरे घर में मेहमान आते हैं तो तुम हर बार एक ही सेम चीज़ बना के खिलाती रहती हो, तो आज कुछ नया मेरे को लगा उनको खिला देती हूँ। फिर वो बोलते कि ये तो फ्राइड है इसलिए मैंने इसको सिर्फ नाम मात्र का फ्राई करा है, उसके बाद इसे टिश्यू से अच्छे से ऑयल निकाल लिया है एक्स्ट्रा जो भी इस ब्रेड में लग गया है, और उसके बाद दोस्तों जो पनीर है ये फ्राई क्यों करी अभी आपको बताएंगे आगे। लेकिन हो क्या रहा है, अभी सबसे पहले हमें ये दोनों चीज़ें बाहर निकालने के बाद एक पैन और ले लेना है। अब एक पैन और क्यों लेना है, क्या बनके तैयार हो रहा है, तो मुझे बताया कि एक पैन में हल्का सा ऑयल डालिए नाम मात्र का एक चम्मच, और उसके बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े प्याज, एक कटा हुआ बड़ा बड़ा कटा हुआ प्याज, और इसको भूनना शुरू कर दिया वाइफ ने। मैंने कहा यार ये अब तुम कर क्या रही हो, पनीर तल दिया, ब्रेड तल दी, चलो ब्रेड में तुमने टिश्यू से सारा ऑयल निकाल लिया, लेकिन अब हो क्या रहा है ये प्याज क्यों भून रही हो। तो मेरी वाइफ बोली इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालना चाहती हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है तुम्हें जो डालने का मन है वो डाल दो। तो वाइफ ने सबसे पहले बोला कि मुझे कुछ इसमें शिमला मिर्च डालने दो। मैंने कहा ठीक है डाल लो, और उसके बाद उन्होंने थोड़े से कॉर्न्स भी डाल दिए। मैंने पूछा यार ये बन क्या रहा है, पास्ता तो बन रहा नहीं है, लेकिन कॉर्न्स तो ऐसे शिमला मिर्च के साथ बड़े बड़े टुकड़ों में पास्ता में डालते हैं। तो बोली रुको मेरे को बनाने तो दो, पास्ता कहाँ से आ गया जब हम ऑलरेडी ब्रेड को तल चुके हैं। मैंने कहा बात तो ठीक कह रही हो, बन तो ब्रेड ही रही है, लेकिन ये ब्रेड हमने फ्राई करी थी ये क्या बन रहा है, मुझे तो शुरू में लगा कुछ मीठा बन रहा होगा, लेकिन ये तो अब मुझे ऐसा लग रहा है प्याज आ गया तो कुछ नमकीन होगा ज़रूर, कॉर्न्स आ गए, शिमला मिर्च आ गए। इसके बाद उन्होंने एक टमाटर भी डाल दिया और इसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया मसाला तो नहीं डला है, फीका है, मीठा है, नमकीन है, कुछ तो बताओ डिटेल में। तो मेरी वाइफ बोली कि देखो मैंने आज तुम्हें बोला था तुम्हारे फ्रेंड्स घर पे आने वाले हैं, कुछ मेहमान घर पे आने वाले हैं, तो नई चीज़ बना के खिलाऊंगी। मैंने कहा हाँ बात तो यही हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस डालना शुरू करे, बोला इस गैस को बंद करके इसमें जो स्पाइसेस चाहिए वो हम डालेंगे, जैसे हल्का सा नमक और हल्का सा लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी आप काली मिर्च या फिर और भी कोई मसाला आपके पास उपलब्ध हो जो आप चाहते हो वो डाल सकते हैं। तो नमक डाल दिया इसमें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी इसमें और हल्की काली मिर्च डाल दी इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरी वाइफ बोली कि हमें क्या करना होगा, जब ये सारे मसाले डाल देंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और मसाले ऐसे हैं नहीं जिनको हमें पकाना पड़े, सिर्फ नमक है, लाल मिर्ची और काली मिर्ची है, तो हमारे को कुछ और ऐसी चीज़ डालनी है, लाल मिर्ची में चिली फ्लेक्स, और उसके बाद ये प्लेट में निकाल के तैयार कर दिया। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बन क्या रहा है। फिर मेरी वाइफ बोली चलो अब उस ब्रेड की तरफ चलते हैं जो हमने शुरुआत में तली थी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ये जो पैन है ना देखो इस पे अच्छा सा हमारा ऑयल लगा हुआ है, साथ में हमारे को ब्रेड को इसके ऊपर रख देना है, चिली फ्लेक्स भी उस पर हल्के हल्के लग रहे थे। ये ब्रेड उन्होंने ऐसे रखा, एक तरफ से सेका और साइड बदल दी। मैंने कहा ठीक है अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, इस पर हल्की टोमेटो केचप स्प्रेड कर दी। मुझे समझ में आ गया, लो भाई ये तो मुझे लगता है अलग तरीके का आज पिज़्ज़ा बन रहा है, वो भी कढ़ाई में पैन में। बोली हाँ ये एक नई डिश है, आज एक ख़ास तरीके से हम इस डिश को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इस के ऊपर अच्छे से सॉस को स्प्रेड कर लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये, और नो डाउट ये अच्छी बनके भी तैयार हुई। मुंह में पानी आ गया था जब ये तैयार हो रही थी। मेरे को लग रहा था कि ये आज मेरा दिल जीत लेगी भाई रेसिपी, तो और हुआ भी कुछ ऐसे ही। अब क्या करा, जो वेजीज हमने तैयार करी थी ना दोस्तों अभी इसी पैन में, वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर ली,
कुछ आपके सामने हमने पनीर फ्राई करी थी, वो पनीर के टुकड़े हम इसके ऊपर रख देते हैं फ्राई करी हुई पनीर के, और बहुत यम्मी बन के तैयार होगा यार ये। देखो पनीर रख दी, अब क्या करेंगे, जो मेन चीज़ है, जो घर पे मोज़रेला चीज़ हो, आपके सिडार चीज़ हो, कोई भी मेल्ट होने वाली चीज़ होती है ना जो घरों में आ जाती है दोस्तों हम लोगों के, हम ऑर्डर करते हैं तो बस उसे हम मोज़रेला चीज़ को उसके ऊपर स्प्रिंकल करें। आप छोटी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल सकते हैं, ढक्कन लगा दीजिए फटाफट इसका, और ये तैयार हो जाएगी हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा। इतने बढ़िया मज़ेदार, मज़ा आ गया जब ये खाए हमने आज, गैस ऑन है बढ़िया। और ये अब मेल्ट होने के बाद देखिए इसे निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में, गैस को करते हैं सबसे पहले बंद, क्योंकि गैस बंद होएगा तभी तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा हमारे निकल पाएंगे। ये देखिए, चलिए दोस्तों इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप डाल के इसे खा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है, लोग बनाएंगे ट्राई करेंगे तो खुश हो जाएंगे दोस्तों। और आप ज़रूर बताइएगा दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। मैं चलता हूँ, एक लाइक तो बनता है हमारी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।